Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about what is meant by first, second, and third world countries. So let us get right into the video. First world countries को सबसे पहले हम लोग देखते हैं. First world countries ऐसे countries हैं जो कि United State of America को support करते हैं. इसके अंदर United State of America आता है, इसमें Western Europe आता है. इसके अलावा ये ऐसे countries हैं जो कि developed countries हैं. जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है इनकी जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है. इसके अलावा इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है और इनकी इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल है. यानी कि ये कंट्रीज़ जो है इकोनॉमिकली भी स्टेबल होते हैं. यहाँ पर अगर आप लोग ग्रीन कलर में देखें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हैं. इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका सारा आ जाता है. इसके अलावा यहाँ पर यूरोप भी है और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है. और जबकि सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं. और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. यहाँ पर अगर आप लोग इस पिक्चर में येलो कलर को देखें तो ये सारे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो कि सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं. और इसके बाद है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़. इनको जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहा जाता है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हैं और ना ही ये सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं. यानी कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते. वेस्टर्न ब्लॉक जो है ये कहा जाता है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और ईस्टर्न ब्लॉक से कहा जाता है जो यानी कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं. एंड सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आर न्यूट्रल टुवर्ड्स वार. और इसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनके पास इनकी जो है हाई पॉवर्टी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पर ज़्यादा है, इनकी लो इकॉनमी है. इसके अलावा ये लेस एडवांस्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. इसके अलावा जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो होते हैं ये पुअर है विद अनस्टेबल गवर्नमेंट. इसके अलावा यहाँ पर हाई फर्टिलिटी रेट है, और इसलिए हम लोग जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कह सकते हैं. सो लेट अस समराइज इट. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो ये स्टेबल है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं. जबकि सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे कंट्रीज़ आते हैं जो कि सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ना ही सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते हैं और ना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हैं. इनकी इकोनॉमी कम होती है, ये लेस एडवांस्ड होते हैं, इसके अलावा ये पुअर कंट्रीज़ होते हैं, और इनको हम लोग डेवलपिंग नेशन या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ कह सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.